हाय हाय रितिका, हाय सन्ना, वंदना जी, मीना, प्रीति, पूजा, सुनीता। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज टेस्ट नंबर 5 है हमारा, है ना। सिक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। कल टेस्ट नंबर 4 था और अब आपका टेस्ट परसों होगा, टेस्ट नंबर 6। फिर टेस्ट नंबर 7 होगा फ्राइडे, टेस्ट नंबर 8 होगा सैटरडे। तो हफ्ते में 4 दिन टेस्ट होते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जल्द आपको संडे को भी आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो संडे एक FLT का जाएगा और उसके बाद जो बाकी के जो 2 दिन होंगे हमारे, उसमें आपकी यूनिट वाइज टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो जैसे आज हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। टेस्ट 5 है आज हमारा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका यूनिट 1 का एक पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, जिसमें अभी मैंने आपके यूनिट 1 के 6 टेस्ट लिए, अब एक ही टेस्ट होगा आपका। तो इसी तरह से 10 टेस्ट वो होंगे, 40 टेस्ट ये होंगे और 15 ही FLT, 65 टेस्ट आपके फ्री कर रहा हूँ। तो गाइस मिस मत करो, इन टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हो। एंड इसके अलावा 20% का डिस्काउंट अकेडमी पर अभी अवेलेबल है मेरे कोड पर। तो इस कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लो, अंकुर दुबे नाम है, यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। सो EDYT कोड लगाओ और अनअकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये जो कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज को अवेल कर पाएंगे, देख पाएंगे आप यहाँ पे। वनडे एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, MPPSC प्रीलिम्स का एक बहुत प्यारा सा कोर्स हमने निकाला है केवल 1799 रुपीज में। तो इन कोर्सेज को आप मेरे कोड के थ्रू लेते हो ना, तो आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा और अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स के वीडियोज आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं। मेरी क्लासेस चलती हैं, 3 क्लासेस अभी पर डे हो रही हैं। तो सुबह 9 बजे हम परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं, जिसका आज नंबर 18th नंबर का लेक्चर आपका हुआ था, कल 19th नंबर का आपका लेक्चर यहाँ पे करवाया जाएगा। तो 70 दिन का कोर्स है हमारा, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिट्स आपको मैं यहाँ पर कवर करवा दूँ। तो आज हमने लेक्चर नंबर 18 पढ़ा था, कल इसी का आपको न्यायपालिका वाला हिस्सा कल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिर ये 19th नंबर का हो गया, इसमें हम लोक अदालत और ये सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसी सिक्वेंस में ही आगे आपकी पूरी गाड़ी बढ़ेगी, तो मिस मत करना एक भी सेशन। बहुत सेशंस आपको कर रहा हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस ही होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। कल आपका जो यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, कल लेक्चर नंबर 19, तो हम यहाँ पर लो सॉरी कल आपका रहेगा 19 का, तो मध्य प्रदेश के लोक चित्रकला इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया था प्रेमा पाल्या जी का, याद होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, तो इनको कवर करते हुए साथ में हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे, ओके। और टेस्ट सीरीज चली रही है हमारी, तो प्लीज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। बहुत वॉइस कम आ रही है, कोई बात नहीं यार, अब थोड़ी सी तेज आ जाएगी। एक सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट में आप लोग करते हो आंसर, डेट इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉपी पे करो यार, आई वॉन्ट कॉपीज पे करना है। एंड आज का टेस्ट पेपर बहुत सरल बना है, लिटरली बता रहा हूँ। आज आराम से यहाँ पर आप 80 से 90 के बीच में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड देखते हैं आज कौन यहाँ पे टॉपर रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर बताएं। भीम बेट का प्रसिद्ध है क्योंकि, पूरी बुक ही कवर करेंगे ना हम तो सुनीता जी। ये हर्ष MPPSC की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, ओके। तो आंसर इसका डी डियर, हम जानते हैं यहाँ पर शैल चित्र बने हुए हैं भीम बेट का के लिए। अगला, बुंदेला की छतरी किस शहर में है? बुंदेलाओं की छतरी, ओरछा, शिवपुरी, सागर, दतिया। आंसर रहेगा इसका गया, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ए इसका आंसर है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा, बुंदेलाओं के शासकों की एक समय राजधानी रहा था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, जहाज महल कहाँ स्थित है? सुधा तिवारी जी, आनंद, सृष्टि, प्रीति। आंसर क्या रहेगा? आंसर है इसका सी गाइस।
अगला, पचमणी की प्रसिद्धि का कारण क्या रीजन है जो पचमणी आज इतना फेमस है? क्या रीजन है? आंसर इसका सीडियर। ये नेक्स्ट वन, अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्यों? अमरकंटक फेमस है? क्या रीजन है अमरकंटक की प्रसिद्धि का? तो आंसर रहेगा इसका डी। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ से नदियां निकलती हैं इसलिए ये प्रसिद्ध भी है। अगला, अशर्फी महल किधर पर है? बताएं, मुस्कान जी, प्रीति जी, पचमणी से आप? वेरी गुड डियर, बिल्कुल। पेन कॉपी पे कर रहे हैं ना, रोशनी, विनय, प्रीति, गुंजन जी। आंसर इसका सी, मांडू। नेक्स्ट वन, बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? बाबा शहाबुद्दीन जी की मजार कहाँ पर मिलेगा? आंसर इसका बी गाइस। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा। आंसर रहेगा इसका डी, झलकारी बाई की समाधि मंडला। अगला, निम्नलिखित में से किसे बुंदेलाओं सॉरी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है? आंसर इसका डी डियर। ओके, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती हैं। क्या रीजन है जिसके कारण से ये जानी जाती हैं? पीडीएफ सभी को मिल गई थी ना पिछले वाले टेस्ट की? प्रीति आपने लेट ज्वाइन किया है, लकी, आनंद जी, है ना, पुरानी पीपीटी पीपीटी मिल गई आपको भी, पूनम, रोशनी, नायक जी। आंसर इसका ए, भित्ति चित्र के कारण। खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था? गुड, अगर प्रिंटआउट लेना हो तो प्रिंटआउट ले लो, नहीं तो पीडीएफ में तो वो है ही आप सभी के पास। दिशु देख लिया आपने, उन्हें भी पुरानी पीपीटी सभी के लिए अवेलेबल करवा दी है मैंने, तुरंत मिलती है क्लास के बाद ही, टाइम नहीं रहता आज मिल रही है 1 घंटे 1.5 घंटे, तुरंत क्लास खत्म पीपीटी लो। आंसर है इसका ए, वहाँ आप देखो पीपीटी नहीं पीडीएफ मिली होंगी ना, आप जाओ वहाँ पे अंकुर देवन एकेडमी पर, आप सर्च करो, टेस्ट वाइज अपलोडेड है सारी। आंसर इसका 12 का डियर डी। ओके, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, असीरगढ़ का किला किस जिले में है? सागर से आप? नाइस, हम भी सागर से ही हैं। आंसर रहेगा इसका हमारा सीरियर, बुरहानपुर में सीरियर का किला है। नेक्स्ट वन, क्या लिखा है, मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? याश्मीन, साधना, आनंद, सुधा, पूनम, प्रवीण जी, आप लोग कॉपी पे भी कर रहे हो ना?
क्योंकि लास्ट में तो आप ऐसे कैसे बताओगे, ऐसे उंगलियों पर गिनने वाला काम मत करना। पता है कॉपी पे करोगे तो उसका एक फायदा रहेगा कि कल टेस्ट में कितने आए परसों आए, धीरे धीरे आप स्कोर बढ़ रहा है आपका कि नहीं बढ़ रहा है ना। सीरियसली करो यार इन टेस्ट को, ऐसे कमेंट में मत करो तो भी चलेगा, कॉपी पे जरूरी है। अंशुल जी ठीक है, कर रहे हो ना आप भी? ब्रदरी गुफाएं कहाँ स्थित है? गुड सृष्टि जी, किधर है? वेरी गुड, ओएमआर पे तो और भी बेस्ट। आंसर इसका बी, उज्जैन के पास। नेक्स्ट, भीमबेटका संबंधित है? किससे संबंधित है भीमबेटका? ये स्टॉपवॉच वाला कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग के बाजू में चलती रहती है घड़ी, तो आपको पता है कि 20 सेकंड बाद क्वेश्चन बदल जाना है ना। आंसर रहेगा इसका बी, ठीक है, महाभारत काल से संबंधित है। नेक्स्ट वन, चित्रकूट किस जिले में है? आप में से कुछ लोग मुझसे एक बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर आंसर्स आप थोड़ा सा टाइम तक दिखाया करो, तो मैं उनको ये बोलता हूँ मैं पीडीएफ तो देता हूँ ना तुरंत ही, आप उसमें एक मिनान से पढ़ो, बस आप सेंटर देख लो आपका आंसर गलत है ना, एक मिनान से पढ़ लो, यहाँ पढ़ के टाइम थोड़ा सा कम है ना हमारे पास, जल्दी हो जाएगा यहाँ पे हमारा टेस्ट, इसीलिए जल्दी दिखाता हूँ। तो सतना जिले में मिलेगा। अगला, शंकराचार्य जी की गुफाएं? दीपक वर्मा जी बताएं। सुधा तिवारी जी, साधना जयसवाल जी, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वन, डायनासोर के है ना अंडे कहाँ से मिले? हाँ सेशन अच्छा लगता है दोस्त, तो एटलीस्ट अपने जो भी कलीग्स हैं आप उनको भी बताओ। आंसर है 19 का सी, धार जिले में मिले हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है? कौन सा है मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन? कल आपकी 10 बजे जो परीक्षा धाम का जो लेक्चर नंबर 16 छूट गया था ना, मध्य प्रदेश का बजट और ये वो वाली क्लास रहेगी कल इसी टाइम पे। आंसर इसका ए, पचमढ़ी। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश की तीन विश्व धरोहर स्थल? कौन से हैं? बताइए, है ना? आंसर है ए, बहुत ही इजी टेस्ट पेपर है, अभी देखते हैं अभी आगे के आने भी तो दो क्वेश्चंस। अब बताओ कोशक महल, बस आपने बोला और टफ क्वेश्चंस आना शुरू, कहाँ है कोशक महल? आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, भोपाल में एकमात्र पर्यटन स्थल बताइए। कौन सा है? थैंक यू आदित्य जी। आंसर रहेगा इसका एकमात्र पर्यटन स्थल जो है तो वो है सी, केरवा बांध। नेक्स्ट वन,
पांडव गुफा देश में पाए जाते हैं? भुजन त्रिपाठी जी, रश्मि चौरसिया जी, पीडीएफ मिल गए पुराने पेपर के, आदित्य आपको भी, दीपक वर्मा जी। जिसको नहीं मिले हैं अंकुर, मैंने अकेडमी ग्रुप पर जाके ले लो, तो पुराने टेस्ट हो गए ना चार उनके। डी पचमणि, पांडव गुफा पचमणि में। नेक्स्ट बताइए, रूपमती मंडप डैश में स्थित है? अंकुर दुबे अकेडमी ग्रुप पर है रश्मि। इस क्लास की एक खासियत है, जैसे ही क्लास 11 बजे खत्म होती है ना, 5 मिनट के अंदर ये पूरे प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाता है आपको, A4 साइज में सारी की सारी चीजें। ये इस क्लास की खासियत है कि तुरंत टेस्ट होता है, तुरंत उसकी PDF आंसर शीट आपको अवेलेबल हो जाती है। डी इसका आंसर है। ओके अगला, बाज बहादुर का महल देश में पाया जाता है? रानी रूपमती की कहानी आप लोगों को सुनाई थी ना मैंने, सृष्टि, आई होप आप सभी को याद होगी वो कहानी, बाज बहादुर, रानी रूपमती की कहानी, आदम खान ने किस तरह से आतंक फैलाया था। आंसर इसका डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिल्ली गेट डैश में स्थित है? क्या आएगा डैश में? तो आंसर है मांडू। सी इसका आंसर है, मांडू में मिलेगा आपको दिल्ली गेट। ओके बहुत सारे दरवाजे हैं वहाँ। पचमणी में प्रदर्शनी पॉइंट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अंकुर दुबे एंड एकेडमी ग्रुप पर आनंद जी, क्लास के खत्म होने के 5 मिनट के अंदर PDF अवेलेबल होती है बिल्कुल, कि आप लोग, इसलिए तो मैं आप लोग से बोलता हूँ कि पेन कॉपी पे आंसर्स करो। जो आप आंसर गलत कर रहे हो उसको तुरंत आप चेक कर सकते हो PDF से कि यार ये आंसर गलत था सही क्या। इस PDF यहाँ कमेंट से बेटर होगा उस पर करा करो पेन कॉपी पे। अब आप खुद देखो ना, अपन 60-70 लोग ऑनलाइन है, बट हर कोई नहीं कर रहा कमेंट, क्योंकि वो सब पेन कॉपी पे करते हैं, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि टेस्ट 1 में कितना है, 2 में कितना है, 3, ऐसे कॉपी बना ली उन लोगों ने। और मैंने जो PDF दी है उस PDF की प्रिंट आउट ले लिया, तो उसमें लिखा रहता है। फिर देखते हैं कि यार टेस्ट 1 में 20 नंबर थे, टेस्ट 2 में 30 हुए, टेस्ट 4 में 40 हुए, जैसे एवेल्यूएट भी हो जाती है परफॉर्मेंस, इसीलिए ऐसा करा करो यार। आंसर है 29 का हमारा ए। ओके भोपाल। नेक्स्ट वन, राजवाड़ा महल। सभी लोग गए हैं क्यों? प्रीति, रश्मि, सोनम जी, दिशु जी, राजवाड़ा तो है ना। आंसर है ए। ओके इंदौर। नेक्स्ट, पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस जगह से पास चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर इसका सी है ना, आसन नदी के किनारे। नेक्स्ट वन, शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? कौन से 2 व्यक्ति हैं? आंसर रहेगा सिंधिया वंश से रिलेटेड 2 व्यक्ति, उनकी समाधियां मिलेंगी। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज जेम्स फॉरनेट ने की थी? कौन सा पर्यटन स्थल है जिसकी खोज इनके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका ए, पचमणी की खोज इनके द्वारा की गई थी। अगला, राजा अमन का महल है?
तो किधर है भाई? आ से अमन और आ से अजयगढ़, दोनों जगह आपको इसी चीज से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर है ना, ने किस जगह शरण ली थी? बताएं डियर, मनोरमा जी कहाँ ली थी? आंसर रहेगा इसका ए, ओके, ओरछा का दुर्ग में। अगला, बघेलन महल कहाँ स्थित है? बघेलन महल ऐसे याद किया था? कहाँ है बघेलन महल? आंसर रहेगा इसका सी डियर, ओके, मंडला दुर्ग। नेक्स्ट 37, मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं? बताएं भैया। तो आंसर है सी, हमारे सागर के पास जो एरन है वहां से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से है ना चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? अर्जुन, प्रीति, सुधा जी, यार 100+ नहीं हो रहे हो आप लोग लाइव, एटलीस्ट आप लोग एक एक पर्सन को भी शेयर करोगे तो वी विल अटेन आर 500 लाइव गोल। आंसर रहेगा इसका बी, होशंगाबाद, हथनौरा, हनुमानगढ़, सॉरी इंदरगढ़। पुरातत्व स्थल किस जिले में है? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। जो भी आपके एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह, आप उनको बता दो। मैं ये नहीं कहता हूँ, जो आपके नोन है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आप बेनिफिट ले पा रहे हो उस क्लास का, आप उनको भी बता सकते हो। आंसर इसका ए, ओके, मंदसौर। नेक्स्ट वन, भारत की स्तूप की खोज किसने की थी? भारत स्तूप की खोज, कल का टॉपिक सभी को पता है ना? और अर्चना, गुंजन, प्रीति, सीमा, विशु, आंसर है इसका ए, कनिंगम ने। नेक्स्ट, वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो ये रिवीजन ही तो है, रिवीजन करोगे तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आपका रिवीजन सही तरीके से हो रहा है? वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना जब आप टेस्ट दोगे। आंसर रहेगा इसका ए, ओके। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में सती प्रथा एरन अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किसका था? किसका था भाई? हुणों के आक्रमण में कौन मारा गया था? कल का टॉपिक बता दूं, आप अंकुर तो मैंने एकेडमी ग्रुप से नहीं जुड़े हो रश्मि, कल टेस्ट नंबर 6 है, यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है कल से। तो भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, इसकी होड़ो आक्रमण में डेथ हो गई थी। तो ये कल से आपका, कल टॉपिक है प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, कल मतलब परसों होगा ये आपका, ठीक है? पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़कर आना है, यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है कल से। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश के निम्न स्थल व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन छाटिए। ये अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते मन्नत जी कट ऑफ के बारे में, तो अभी कुछ भी नहीं बता सकते यार। किसी समय कोई बोलता है उसके मार्क्स 85-87 आ रहे हैं, कोई कम बोल रहा है, तो अभी तो इस चीज के बारे में कहना मुश्किल है। चीनी यात्री हैंगशांग ने किस स्थल पर भ्रमण किया?
आंसर है ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के इस पुरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ। कौन सा पुरा स्थल है? आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट वन, वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा इसका हमारा डियर ए, उज्जैन। उज्जैन में ये स्थित आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ कहाँ है? तो भैया हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ विदिशा में बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस नगर का गरुण स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? हाँ जी, हाँ ना, हेलियोडोरस को डर था कि कहीं पुष्यमित्र सुंग उनके ऊपर अटैक ना कर दे। हेलियोडोरस राजदूत था ना एंटियाल कीडस का, जो कि यूथिडेमस से रिलेटेड था, तो उसने भेजा था, क्योंकि उस समय यूनान का जो इंडो ग्रीक हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पर कब्जा किए थे ना, तो उनको ये डर था कि कहीं सुंग ने है ना मौर्य वंश को खत्म किया है, अब हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो इस कारण से उन्होंने दूसरे धर्म वाले को भेज दिया था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? विनीत जी, अकबर जो मैंने अकेडमी ग्रुप है मेरा, हम टोटल 65 टेस्ट करेंगे फ्री, जिसमें 40 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज हैं, 10 यूनिट वाइज हैं और 15 FLT हैं। इस क्लास में आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो तुरंत इस क्लास की प्रिंट आउट PDF आपको मेरे ग्रुप अंकुर दुबे अकेडमी पर मिलती है। टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आज टेस्ट नंबर 5 है, यूनिट 1 MPPSC का कंप्लीट, कल से यूनिट 2 स्टार्ट होगी, कल पूरा एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा, फिर मिडाइव, फिर मॉडर्न, इसी सिक्वेंस में पूरा प्रिलिम्स कवर करवा दूंगा टॉपिक वाइज। आंसर है मांडू, और हमारी क्लास 60 मिनट की होती है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ पाट, भैरव घाट व नागर घाट है? बताइए सदत खान जी, क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर इसका नेमावर में, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न पुरातात्विक है ना महत्व के स्मारक का बताइए राज्य संरक्षित है? आंसर इसका बी। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर रहेगा वेरी इजी, शिवपुरी को यह गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वन, ग्वालियर का दुर्ग किसने बनवाया था बताइए? सैफी रिठौरिया जी, आंसर रहेगा इसका हमारा ए, सूरज सेन, 5वीं 6वीं शताब्दी में बना था। विष्णु के 12 अवतार है ना की झांसी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है?
आंसर रहेगा इसका हमारा सी। ओके, उदयगिरी की गुफाओं में। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? आजमगढ़ की प्रसिद्धि का कारण क्या है? आंसर इसका ए। ओके, मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर किया है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लेना। मैंने टेलीग्राम की लिंक चैट बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट, जबलपुर स्थित मदन महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? हेलो रूप सिंह जी, जय हिंद दोस्त। आंसर रहेगा 57 का ए, राजा मदन शाह ने। नेक्स्ट वन, निम्न स्थल में बंदर कुंदनी कहाँ है? वेरी गुड, आधे से ज्यादा लोग अब गलत लगा देंगे। जब ऐसे ऑप्शन आए तो क्या लगाओगे? वेरी गुड, सोनम जी, सदब खान जी। तो बंदर कुंदनी आंसर सी, बेड़ाघाट पर है, ठीक है। वेरी गुड, बंदर एक जगह एक पहाड़ से दूसरी जगह कूद के जाते हैं जंप करके, इसलिए। इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण संपूर्ण किसने करवाया? वेरी गुड, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। लालबाग स्थित पैलेस का निर्माण संपूर्ण कंप्लीट किसने करवाया था, ठीक है, क्योंकि इसका भी किस्सा हमारे कुतुब मीनार जैसा ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू करवाया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने उसमें एक दो मंजिल और जोड़ दी। तो आंसर रहेगा इसका हमारा, ठीक है, बी, तुकोजी राव थर्ड ने कंप्लीट करवाया है, सेकंड ने शुरू किया था। लगभग 40 साल 50 साल लग गए थे बनवाने में, ठीक है। नेक्स्ट, पांडव को गुप्त काल में निम्न में से क्या नाम से जाना जाता था? मांडू अपना, सिटी ऑफ जॉय। क्या बोलते थे हम मांडू को? आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में है ना आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में? कौन सा दुर्ग है भैया? आंसर रहेगा इसका हमारा 61 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल, ये तो हमें पता है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका वगैरह शामिल हो रखे हैं, सबसे पहले कौन हुआ था 1986 में? फिर एक 89 में हुआ था, एक 2004 में हुआ था, है ना जी? तो आंसर है डी, खजुराहो 86 में, फिर 3 में भीमबेटका और 89 में सांची स्तूप। दे दिया मैंने टेलीग्राम का लिंक, फिर से चाहिए? दे दिया, लो एक बार और दे। बताओ, मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है? पीडीएफ के लिए अंकुर दुबे ने अकेडमी ग्रुप ज्वाइन करना, क्लास के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर, है ना? रोशनी, पंकज, दिसु, अर्चना, प्रीति, ये लोग भी शायद कल ही आए हैं, कल ही परसों में ज्वाइन किया इन लोगों ने। पीडीएफ देखकर कैसा लगा? आंसर डी। मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं किधर पाई जाती हैं? तो आंसर है इसका हमारा अजंता की गुफाएं ए, धार। ऑलवेज वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा स्थान इसकी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? आपने जो देखा ही है ना मेरी फ्री क्लासेस कितनी सिस्टमेटिक होती हैं, उसी तरह से ही जाता है हमारा भी प्लस कोर्सेस भी। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की? इप्सा जी, इंसा जी, आप लोग प्रेजेंट हैं आज क्लास में? प्रीति, मुकुल, मोनू, राम, आंसर है इसका बी। ओके, सेंट जॉन मार्शल। नेक्स्ट, सांची स्तूप के शिलालेख किस स्थिति में है? गुड रश्मि जी, वेरी नाइस। बताओ भैया क्या आंसर है? आंसर रहेगा इसका हमारा ए, है ना, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सी प्लेस है जो हमारे एमपी में नहीं है? आप भी है ना? हाँ सृष्टि जी, आप तो हमेशा हर क्लास में रहते हैं, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, 90 के नीचे आप मार्क्स ही नहीं लाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? 14वें बच्चे को ये जन्म दे रही थी तब इनका देहांत हो गया था, और 13 बच्चे थे जिनमें से 7 जिंदा थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, है ना, 3 बेटियां थी, जहान आरा, रोशन आरा, अख्तर आरा। इतना गंदा था औरंगजेब, इतना गंदा था कि अपने पापा को बंद कर दिया था जहांगीर को, 7-8 साल तक बंद रखा, मतलब लिमिटेड खाना पानी देता था, इतना गंदा था, मतलब उतना ही खाना उतना ही पानी। जहांगीर ने एक दिन पत्र लिखकर बोला था औरंगजेब से, है ना, जहांगीर को, मतलब BHAJS, शाहजहां था ना बाप उसका, जहांगीर नहीं, शाहजहां। तो शाहजहां को पत्र लिखकर बोला था उसने औरंगजेब को कि मैं कम से कम कुरान पढ़ाने के लिए कोई बच्चे ही भेज दो, तो बच्चे तक नहीं भेजे थे। दारा शिकोह को भी मार दिया था, धर्मत का युद्ध हुआ था उसने मार दिया था। इसको एक ट्रिक से याद कर लिया करो, मैंने तो एक ट्रिक से याद किया हुआ था। इसके बाद कौन आया? 70 का आंसर क्या रहेगा, है ना, सी। मैंने क्या ट्रिक से याद किया था, हम लोग भजिया खाते हैं ना, भजिया अच्छे लगते हैं, तो BHAJS और ए, भजसा, भजिया से भजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे याद किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? कहाँ पर है? तो आंसर सी, धार में मिलेंगी। नेक्स्ट वन, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज हुई थी? बताइए गाइस। आंसर रहेगा इसका हमारा, ठीक है, ए, 1957 में। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे या फिर टेस्ट पेपर तो देते ही हैं सर उससे कर लेंगे, ऐसा मत करो। लाइव क्लास में एक सरप्राइज होता है कि अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक वो कहते हैं ना एक पेपर देने वाला फील जो आता है ना, वो लाइव सेशन में आएगा, PDF से करोगे तो उसमें नहीं आएगा। बताओ भाई, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए टाइम भी दे दिया ज़्यादा थोड़ा सा आपको, जो लाइव देते हो तो फील आता भी होगा ना, वही तो है ना सच्ची मुकुल जी।
पेपर से करने में, पेपर तो आपको मिल ही जाएगा, लाइफ में एक अलग दिखता है फील। आंसर ए चित्रकूट, इसका आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया के सबसे पुराने पौधे की जीवाश्म पाए गए? सबसे पुराना पौधा प्रवीण जी, कहाँ पाए गए? आंसर है इसका हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी राज्य पर्यटन नीति 12 के अनुसार निम्न में से कौन सा है ना, या कौन सी गतिविधियां इको तथा साप्ताहिक पर्यटन के अंतर्गत आएंगी? कैंपिंग, एलिफेंट सफारी, दोनों, या दोनों नहीं, आंसर है सी, ये दोनों के दोनों आपके इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दी की है? कौन सी शताब्दी की है? आंसर है इसका हमारा सी। ओके नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते जी पहली बार लोकसभा के लिए किस वर्ष चुने गए? मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, चुनाव तो इन्होंने इससे पहले भी लड़ दिया था, लोकसभा के लिए कब चुने गए? अब कौन कहेगा कि सर इजी क्वेश्चन आए, अभी तक तो इजी थे, अब आने वाले 25 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ा जाएगा, क्योंकि तो जनजातीय व्यक्तित्व है ना। 1996 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, 89 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र में गए थे। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट विलियर में रखा था? काला पानी कहते हैं इसको। हाँ अब थोड़ी सी सीख है ऋषि अंशुल जी, बताइए आंसर। गाइस आप लोग को एक चीज बोलना है, अगर क्लास बीच में पॉज हो जाए 2-3 मिनट वेट कर लेना, लैपटॉप मेरा हीट कर रहा है तो मैंने चार्ज पे लगाया है, प्रोबेबली बंद भी हो सकता है, तो अगर बीच में ऐसा क्लास पॉज हो जाए 5 मिनट में मैं रिज्यूम्ड कर लूँगा, ठीक है? भागना नहीं कि सर कहाँ चले गए, आई विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स। 79 का आंसर बताओ, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर एक स्थान पर राज्य, सभी जानते हैं यार हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वन, सन 1960 में सॉरी है ना, उड़ान सेन ने निम्न में से किस स्थान पर सागर की स्थापना? अरे यार चलो ये मेरी तरफ से सबको तोहफा, ठीक है, सागर की स्थापना की थी इन्होंने, सागर नहीं सौगढ़ थे यहाँ पे, गढ़ के साथ रहने आए थे, हो जाता है कभी कभी। अगला बताओ, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग किसकी स्मारक है? किसकी स्मारक है? आप निकल ही गया यार, क्या कह सकते हैं? आंसर है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इनके गोपिंद दास, गोकुल दास जी के बंगले पे। हबीब तनवर जी का जन्म स्थान किधर है? आंसर रहेगा इनका ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु है ना चिंगलांकर जी कौन थे? चित्रकार, शिल्पकार, कहानीकार या साहित्यकार? बताइए,
इस्लामकर जी कौन थे? आंसर रहेगा चित्रकार हुआ करते थे ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन सा प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुआ? इनका गाना है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे, नहीं, सॉरी, ये तो रफीका है, तो भूल ही गया। और आंसर इसका किशोर कुमार है। आई एम सो सॉरी, इनके भी बहुत सारे गाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? किधर हुआ था? तो आंसर है हमारा, वेरी गुड, ए से इंदौर, 1929 में। इनके पिताजी भी बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। अगला, बड़वानी में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन है? जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में जाके देख लेना और ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आंसर इसका बी, अनिल जी। ओके, विदिशा में पैदा हुए है ना, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबल पुरस्कार विजेता कौन रहे? आंसर है सी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी, विदिशा। इंदौर के बहरुद्दीन है ना जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग में उन्हें किस नाम से जानते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ जी, इन्होंने 10,000 से ज्यादा बच्चों के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया है। आंसर इसका डी। नेक्स्ट, शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पर बनाई गई है? आज क्या हो रहा है ये? आज कोई आप में से ऐसा तो नहीं है जिसने थोड़ी सी अगरबत्ती वगैरह लगा दे रखी हो? ये आंसर इसका, वो पहले ही आ गया था स्लाइड में। चलो, सागर संभाग का तात्या टोपे किसे कहते हैं? अरे यार, अब वो जाता है सुनीता जी, ऋषि जी का आज क्वेश्चन थोड़ा बहुत है ना, प्राची साहू जी से हो जाता है। ये क्वेश्चन तो एमपीपीएससी भी पूछ चुका है ना आपसे। बोधन दहुआ जी सागर संभाग के तात्या टोपे जी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? दीपक जी, अंकुर दुबे ने एकेडमी ग्रुप देखोगे ना, आपको तुरंत वहीं मिल जाएगा, वहीं पीडीएफ अवेलेबल होगी। आंसर इसका ए, लिंक भी दे देता हूँ आपको, लिंक भी दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो आंसर रहेगा इसका सी डियर, राजकुमार चैन सिंह जी। मस्त क्वेश्चन है। अगला, आदिवासियों का रॉबिनहुड किसे कहते हैं? संजय जी आंसर बताएं, डिंडोरी वाले जी क्या आंसर होगा दोस्त? कौन थे भाई रॉबिनहुड? आंसर है हमारा बी, है ना, टांड्रा, जिनको टांड्या भी कहते हैं।
नेक्स्ट वन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मध्य भारत का? कौन थे भाई जिन्होंने नेपोलियन के जैसे कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था? तो आंसर है इसका यशवंत राव होलकर जी, बहुत लंबे तक बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस दैमा लहसन के तहत किस सत्याग्रह पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई? सीधा बोला था कि अच्छा तुम लोग आंदोलन करोगे, तीस दैमा लहसन चला दो गोलियां इनके ऊपर, ऐसा बोला था एक अंग्रेजी अधिकारी ने हम इंडियंस के लिए। तो आंसर रहेगा था तुरिया, इस सत्याग्रह में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट, भगौरिया क्या है भाई ये? देखो 1 ही घंटा हो रहा है और पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। क्या है बाबा यार, कल के टॉपिक्स देख लो, कल से यूनिट 2 शुरू हो जाएगी, पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़कर आना है, ठीक है? कल एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 1 का अब एक टेस्ट आपका कंप्लीट होगा जिसमें अलग से पूरे यूनिट 1 के क्वेश्चन रहेंगे। पंजाब मीन हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आज तो कुछ सरल क्वेश्चन, अब वो टॉपिक ही ऐसा था ना, सस्ते टॉपिक ही सरल सरल सा था, टाइम पता नहीं चला। कल नहीं, कल आपका वो लेक्चर नंबर 16 छूट गया है, जो तथ्यपाण का, ओ सॉरी परीक्षा धाम का, मध्य प्रदेश का बजट वाला, वो टॉपिक रहेगा कल इसी समय। शेड्यूल आप लोगों के पास है ही? जो कोई ऐसा है जिसके पास पूरे 40 टेस्ट का शेड्यूल ना हो, पूरे 40 टेस्ट का डे वाइज डेट वाइज सब कुछ दे दिया है, तो आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे यार? अब तो पढ़ना चाहिए जब शेड्यूल है आपके पास। तो आंसर रहेगा इसका हमारा सी, बैतूल। सेकंड लास्ट, चावल आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? हाँ जी, कल 10 बजे। फटाफट काउंट करना शुरू कर दो अपना स्कोर और बताओ। आंसर है सी, रीवा। लास्ट क्वेश्चन, कांतिलाल भूरिया जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? कल से यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट 1 के 6 टेस्ट मेरे कंप्लीट हुए, एक और टेस्ट करना है जिसमें कंप्लीट यूनिट 1 रहेगा और खत्म। तो आप PDF जो डाउनलोड करते हो ना उसमें देख लिया करो, आंसर इनका बी, झाबुआ। इस क्लास की जो PDF देता हूँ ना तो उसके फ्रंट पेज पे ही होता है ये। तो ये था आज का सेशन, तो 70 दिन में पूरा MPPSC पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट 1 2 रनिंग है, 9 कंप्लीट हो गया है, 10th और 5th जल्दी शुरू होने वाला है। परीक्षा धाम की क्लास चल रही है, कल आपका लेक्चर नंबर 19 होगा, तो प्लीज इस सेशन को अटेंड करिएगा। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 19 इधर भी होगा, लोक संगीत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड आप लोग इस टेस्ट को कैसे किया करो, तो ये एक कॉपी है, ये PDF मैंने अपने ग्रुप पर दे रखा है। जैसे 50 का आंसर आपने ए लगाया और है ना, तो अगर ये सही है तो ऐसा राइट टिक बना लो, और आपने अगर सी लिखा और आंसर ए है तो ऐसा स्लैश करके जो सही आंसर होता है उस आंसर को आप लोग यहाँ पे लिख लिया करो, और राइट है तो ऐसा राइट बना लो। लास्ट में काउंट करके मुझे बताओ, और हर दिन का ये रिजल्ट आपको रखना है। मैं कह रहा हूँ टेस्ट 1 से लेके टोटल 65 टेस्ट तक का आपके पास डाटा होना चाहिए। कौन कौन है जिसने मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर तक के टेस्ट दिए हैं आज? तो प्लीज आप लोग ये डाटा अपने पास रखो। एंड अनअकैडमी पर कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, नेट का, गेट का, किसी भी तरह का, मेरे कोड का लगा सकते हो, हमेशा आपको इस पे डिस्काउंट अवेलेबल है किसी भी कैटेगरी का। तो कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लो, अंकुर द्वैन अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, तो अभी इस क्लास की PDF तुरंत आपके पास पहुंच रही है, फटाफट स्कोर से बताओ किसका क्या स्कोर है। 98 रितिका जी, वेरी गुड, आज के सेशन में नाइस। 74 वंदना जी, वेरी गुड। 96 नाइस। 77 पूनम जी, थोड़ा सा बड़ा सरल पेपर था आज,
85 गॉड ऋषि का कम है। इप्साना जी 82, नाइस, अच्छा है कल से। गुंजन जी 87 में 69 गॉड, साधना 79 गॉड, 96 मुकुल, प्राउड ऑफ यू डियर, है ना, 98, बहुत अच्छा है। 87 गीना जी, नाइस, 96, क्या बात है इंसा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सृष्टि जी एक कहाँ गलत कर गया, 99, वेरी गुड। दिशु जी 66, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है कल से, वेरी गुड। टीटू जी 60, थोड़ा सा और बढ़ाओ स्कोर डियर। विजय पाठक नाइस, 88, 89 अर्जुन गुड, 97 साधना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रवीण आपकी भी 98, नाइस, 80 गुड। मनोरमा जी 95, वेरी गुड। सुनीता सैनी जी नाइस, आपने दिया था आपने, वेरी गुड, 98, अच्छा स्कोर है आज आपका। प्रीति जी 97, आज तो मजा आ गया, 99, 98, 96, 99 सब देखा ना, गुड, वेरी गुड। कंचन जी 84, अच्छा है, अच्छा करा आपने भी। सुनीता जी, प्रीति आपका भी गुड है। जय हिंद दोस्त, आज ही ज्वाइन किया था, प्लीज आप इसको गुंजन पेपर पे करिएगा, अभी पीडीएफ में दे रहा हूँ अंकुर दुबे अकेडमी पर। 96, वेरी गुड, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्रतीक्षा जी 87, कल कितना था बताइएगा, 80, 99, 97, 98, वेरी गुड। साधना, सृष्टि, प्रीति, सुनीता जी, प्रिया मिश्रा जी 85, नाइस। राजकुमार जी थोड़ा सा कम है आपका भी। विनीत जी कल एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट है, थोड़ा सा पढ़कर आना। मनु जी आपका भी, लेट हो गए थे आज, क्वेश्चन मैंने सरल रखे थे, का टेस्ट पेपर रखना भी पड़ता है ना सरल। 78, वेरी गुड, तीन गलत हुए। हाँ अब उन गलत देखना कि वो क्यों हुए, लेट नहीं हुए यार, डेली हो रही है क्लास तो। ठीक है चलो, ग्रुप पर पीडीएफ दे रहा हूँ अभी, तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, है ना। और अगर रिकॉर्डिंग देखते हो तो कमेंट जरूर करा करो यार, कैसी लगी क्लास और स्कोर।